हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए तरीके का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 कलर की बूल ली है। आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमने 9 नंबर सलाई ली है और बूल को हमने डबल किया हुआ है। और यहाँ पे 28 फंदे लिए हैं, 28 फंदे। फर्स्ट रो से ही इसमें डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, आप जितना मर्जी इसको फंदे लेके बना सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम पहले 14 फंदे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए, फंदे आपको आधे आधे कर लेने हैं। अगर आप 40 फंदे का बनाएंगे तो यहाँ पे 20 फंदे बुनेंगे। उसके बाद हम ये कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 फंदे हमने ब्लू कलर से बुन लिए और 6 फंदे हम यहाँ पे ग्रीन कलर से बुनेंगे। देखिए, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए, 6 फंदे बुन लिए, 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़ दिए। और यहीं से अब हम पलट लेंगे। यहाँ पे जो जिस कलर से है, सीधे साइड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बुनते जाना है। ऐसे देखिए, इधर से आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो जिस कलर का है उस कलर से आप बनाएंगे। तो देखिए, अब क्रॉस आपको इस तरह से कराना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, इसको आगे लाएंगे और 6 फंदे ब्लू कलर से बुनेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए, अब इसको हम पीछे कर देंगे, पिंक को आगे लाएंगे। अब ये 14 फंदे हम पिंक कलर से बुनेंगे। ये सीधे तरफ की रो हम एक बार दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम सिर्फ उल्टे तरफ की रो आपको दिखाएंगे। और सीधे तरफ से आपको सेम तरीके से ऐसे ही बुनना है जैसे हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ऐसे इसको हमने बना लिया। अब यहाँ से हम इस फंदे को उतार लेंगे। देखिए, ऐसे भूल को अपने तरफ करेंगे। अब हम यहाँ पे 12 फंदे बुनेंगे क्योंकि अब हम कली को ऊपर के साइड ले आएंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए, 2 फंदे हम यहाँ से पिंक कलर वाले ब्लू कलर से बना लेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए, 3, 4, 5 और 6। अब 2 फंदे यहाँ से हम ग्रीन कलर से बुनेंगे ब्लू वाले। तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 हमने यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिए और हम बुल को इधर करेंगे, सिलाई को हम पलट लेंगे और पूरी रो हम बना लेंगे। इधर की रो हमने पूरा कर ली। अब देखिए, यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे और देखिए, यहाँ से हम 10 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, अब 2 फंदे हम ब्लू से बना लेंगे, पिंक वाले। देखिए, 3, 4, 5 और 6। अब 2 फंदे हम यहाँ से ये ब्लू वाले ग्रीन से बनाएंगे। तो 2, 3,
चार पाँच छः, दो हमने यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिए और हमने यहीं से पलट लिया। इस साइड की रो हम पूरा कर लेंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम फिर से इस फंदे को उतारेंगे बुल अपने तरफ। तो यहाँ से दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे हमने बुने और दो हम ये ब्लू से बनाएंगे। देखिए तीन चार पाँच छ, अब दो हम ग्रीन से बना लेंगे ब्लू वाले। देखिए तीन चार पाँच छ, यहीं से पलट जाएंगे और इधर की रो हम कंप्लीट कर लेंगे। इधर की रो कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हम ऐसे ही अभी इसको बनाएंगे, दो दो फंदे ये ब्लू करते हुए। लास्ट में ये दो पिंक के बचेंगे, छह फंदे हम और इधर कर लेंगे और देखिए छह हम इस साइड से ग्रीन करते जाएंगे दो दो करके और दो दो फंदे हम यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। तो दो दो चार दो छः दो आठ, आठ फंदे छूट गए। अभी हम छह फंदे और छोड़ेंगे इसमें, फिर हम आपको आगे का दिखाएंगे। सेम तरीके से बनाना है तो हम बना लेते हैं फिर आगे का दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट के दो फंदे तक हमने बना लिया है और यहाँ पे हमने दो दो करके टोटल 14 फंदे छोड़ दिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात दूनी 14। और देखिए अब देखिए यहाँ से अभी हम इस कली को ऊपर के साइड ले जा रहे थे, अब अंदर के साइड ले जाएंगे और हम ये वाला कलर जो है यहाँ पे लाएंगे और ग्रीन वाला यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसको हमने उतारा, अब देखिए इसको हम इधर करेंगे और यहाँ से ये वाला कलर हम पहले इधर लाएंगे। इसको हम साथ में ले जाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने बुने। अब ये वाले ग्रीन वाले छः फंदे हम ब्लू से बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए इन फंदों में अभी हमने टच नहीं किया है, जो हमने 14 फंदे छोड़े हैं यहीं से हम पलट लेंगे। यहाँ पे हम इस रो को ऐसे ही बुन लेंगे जो जैसे है। तो देखिए ऐसे ये कलर चेंज हो गया, ये वाला कलर यहाँ आ गया और ये जो ग्रीन था वो यहाँ आ गया। अब देखिए हम यहाँ से इसको दो दो फंदे अंदर के साइड करते हुए जाएंगे। तो दो फंदे ये हम बुनेंगे, अब दो हम ग्रीन में से पिंक बना लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ से एक दो तीन चार, दो हम इसमें से ले लेंगे, पाँच और छः, ये दो छः ही फंदे रहेंगे। अब देखिए ये वाले चार बचे, दो हम आगे से लेंगे, ऐसे चार ये बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे गैफिंग आएगी, तो गैफिंग को आपको ऐसे भरना है, एक यहाँ से उठाना है एक फंदा और एक फंदा यहाँ से उठाना है और यहाँ पे देखिए इस फंदे के साथ तीन का एक कर देना है। ये कर दिया, एक हम और ले लेंगे। तो ये छः फंदे हो गए हमारे। अब हम यहीं से वापस फिर से पलट लेंगे, यहाँ पे जो जिस कलर का है उससे बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे इसको हम क्रॉस कराते जाएंगे। ये बिल्कुल ही नए तरीके का बनके कंप्लीट होगा और आप बहुत जल्दी बना लेंगे, आप बिगनर्स हैं फिर भी बना लेंगे। इसको हमने ऐसे किया, इसको आगे लाए, यहाँ पे चार फंदे हम ये पिंक से बुन लेंगे। अब देखिए हम यहीं से फिर से पलट लेंगे। अब इसको हम उतारेंगे और हम यहाँ पे छह फंदे पिंक से बुनेंगे, चार ये थे, दो दो फंदे हमें बढ़ाने हैं। अब दो हम ग्रीन में से और ले लेंगे, तो ये छह हो गए, ग्रीन वाले चार बचे, तो दो हम ब्लू में से ले लेंगे। देखिए ये चार हो गए, दो हमने इसमें से ले लिए, तो ये छह हो गए और दो हम आगे ग्रीन वाले ब्लू कर लेंगे, तो ये ब्लू वाले भी छह हो जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम ऐसे फंदा उठाएंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे तीन का एक करते हुए जाएंगे,
इस तरह से ऐसे, ये आपको ऐसे ही बुनते जाना है। अब यहाँ से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए दो दो फंदे यहाँ से हम ग्रीन करते हुए, दो दो फंदे यहाँ से हम लेते हुए, तो लास्ट के यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 12 फंदे पिंक के हो जाएंगे और दो फंदे ये ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे और यहाँ से दो फंदे लेते हुए, तो इतने हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे का दिखाएंगे। सेम तरीके से बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ तक बना लिया है और ये वाले फंदे हमारे पास टोटल पिंक के 14 फंदे आ गए। अब देखिए इस रो में हम इधर से सारे फंदे पिंक कलर से बना देंगे, तो यहाँ पे ये एक कली बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब देखिए ये वाले भी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, ये दो फंदे पिंक के भी हमने ले लिए इस रो में। अब देखिए यहाँ से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को आपको उतारते जाना है ताकि सेंटर में होल छोटा रहे। ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ से इसको उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको आगे का दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक कली हमने बना के कंप्लीट कर ली है। अब अगली कली बनाने के लिए हम इसमें ये वाला कलर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड हम ब्लैक का देंगे और इन दो कलर से कली बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए उल्टे तरफ से हम कलर चेंज करेंगे। ऐसे दो रो हम इसकी बनाएंगे, सिंपल सारे फंदे हम बुन लेंगे। 28 फंदे का हम बना रहे हैं तो टोटल 28 फंदे हमें बुनने हैं और इस वाली पिंक कलर वाली बूल को हमें साथ में ले जाना है ऊपर करते हुए। तो यहाँ से हम पहले दो रो बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो रो ब्लैक से बना ली हैं, सीधे तरफ से अभी रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए उल्टे तरफ से इस फंदे को हम उतारेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे और इस वाली बूल को हम ऐसे ऊपर को रखेंगे और साथ में ले जाएंगे। आप चाहें तो कट करके भी लगा सकते हैं क्योंकि आगे मुझे इसी इसका बनाना है ये सेम कली, तो ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो हम इस तरह से ऊपर ले जा रहे हैं बिना कट किए। और यहाँ पे हम फर्स्ट रो रिपीट करेंगे, 14 फंदे पहले हम बुनेंगे। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ तक हमने इसमें बुने थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ से हम देखिए पहले हम लगाएंगे रेड कलर, आप अपने हिसाब से कलर इसमें लगा सकती हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने रेड बुने। अब 6 हम यहाँ पे वाइट बुनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। ये टोटल मेरे पास यहाँ पे 28 फंदे थे, 14 फंदे हमने ब्लैक बुन लिए, 6 फंदे रेड, 6 वाइट और 2 छोड़ दिए। तो इस तरह से आपको ये देखिए यहाँ से देखिए दूसरी कली स्टार्ट हो गई है। यहाँ से जो जिस कलर से है उसको हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे इसको हम क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे। ये देखिए
इस तरह से, ये देखिए ऐसे। तो अब देखिए हम इसी तरीके से ये पूरा बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से कली आ गई है, यहाँ इन दोनों की कली आ जाएगी, बैकग्राउंड ब्लैक का आ जाएगा, यहाँ पे पिंक का आया हुआ है। तो ऐसे ही हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया, 8 कलियों में ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक रो उल्टे तरफ से कंप्लीट की है ब्लैक की, सीधे तरफ से हम इन फंदों को बंद कर देंगे ताकि यहाँ पे एक ही रो आए, हर जगह एक एक रो है। इस तरह से यहाँ से दो का एक करते हुए बंद करेंगे। दो का एक करते जाएंगे उसी फंदे को लेके, वापस देखिए दो का एक कर देंगे, लास्ट तक हम ऐसे ही बंद कर लेंगे। यहाँ पे सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई हम ऊपर के साइड से कर रहे हैं ऐसे, देखिए मिलाते हुए इसको सिलना है। एक फंदा ये लेना है और इधर का इस साइड का लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, तभी सीधे साइड इसकी जो डिजाइन है वो क्लियर दिखेगी। ऐसे मिलाते हुए हम पूरा इसको ऐसे पकड़ लेंगे, तो हम इसको सिल लेते हैं।